गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लाइज विद इन। आज मैं अपने चैनल पे करूंगी आइकॉनिक के क्रिम्पर का रिव्यू। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस क्रिम्पर इन डिटेल एंड यू विल ऑल्सो सी अ लाइव डेमो ऑफ दिस क्रिम्पर ऑन माई हेयर। सो बिफोर इवन स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर स्पेशली, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेजिंग। सो द प्रोडक्ट नेम इज क्रिम्पन स्टाइल और इसका मॉडल नंबर है 118C। MRP है 2700 रुपीज़, लेकिन मुझे 20% ऑफ के बाद 2100 रुपये का ये क्रिम्पर मिला था। एंड इट कम्स इन दिस सिंगल कलर पर्पल एंड ऑल्सो इट हैज़ 1 ईयर ऑफ वारंटी। और साथ में इसके साथ आपको ड्यूअल वोल्टेज भी मिल जाता है, यानी आप इंडिया के बाहर की कंट्रीज में भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ओपन दिस। इट कम्स विद अ 360 डिग्री टैंगल फ्री कॉर्ड और कॉर्ड की लंबाई होगी करीब 7 फीट। सो इसकी जो प्लेट्स है वो सिरामिक प्लेट्स हैं और काफ़ी वाइड भी हैं। अगर आपने इसका मिनी क्रिम्पर देखा होगा तो उससे तो वाइड है ये, लेकिन इससे बड़ी प्लेट वाला भी क्रिम्पर आइकॉनिक में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये साइड से एडजस्टेबल भी है, यानी इसमें आपके बाल जो है बिल्कुल भी खिंचेंगे नहीं। यहाँ पर स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की एक बटन दी हुई है और साथ में डायल टेम्परेचर सेटिंग है इसमें, यानी कोई बटन्स नहीं है, लेकिन आप इस तरह से इसे मूव करते हुए टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 230 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर सेफ्टी लॉक दिया हुआ है। ऑल्सो इट हैज नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू एलिमिनेट फ्रिजीनेस। So the primary reason to use a crimper is to add volume to very thin hair and also sometimes to get some styling effect on your hair. So now I'm going to use it on my hair and probably I'll use it on half of my hair and give you the side by side comparison of natural hair and a crimped hair too. So now I have sectioned my hair and before starting with crimping I'm going to use Lorenza heat protecting mist. And then I would like to detangle my hair. And I have taken out this smaller section. So now I'm going to switch it on. And I'll keep it at the maximum temperature. It has not been 60 seconds and it has already heated up. So now I'm going to start with it. And kind of press it from here. As much as you press it, the deeper you get the texture. This is looking quite beautiful to me and the texture is also very fancy. I have zoomed in so that you guys can see it better. इसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और देखने में भी खूबसूरत है और साथ में थोड़ी वॉल्यूम भी ऐड हो गई है मेरे बाल में। इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हुई है। Now let me complete half of my hair and then we can see the final comparison between natural and crimped hair. So here is the difference right in front of you. बालों में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो चुकी है, आप सब देख सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन क्रिएट हुई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है।
इसमें भी आप चाहें तो कुछ कुछ सेक्शन छोड़ते हुए आप बालों के क्रिम करें तो एक अलग तरह का पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, वो भी अच्छा लगता है। और अगर आप और भी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो पतले पतले सेक्शन पे क्रिम करते जाइए, आपके बाल और भी ज़्यादा फूल जाएंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद बालों में थोड़ी सी शाइन जो है कम हो जाती है, इसलिए ये थोड़े अननेचुरल से लगते हैं, पर अगर आप अच्छे से सीरम का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। सो इन शॉर्ट, क्रिम्पिंग करने से आपके बालों में एडेड वॉल्यूम होगी, बालों में स्टाइलिंग हो जाएगी, आपको पफ और स्टफिंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और बैक कॉम्बिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी यूजिंग लेस ऑफ सेटिंग स्प्रे ऑल्सो। इसकी जो प्लेट्स है वो मीडियम साइज़ की है और मेरे बालों के लिए मुझे ओके लगती है, लेकिन प्रोफेशनल यूज़ के लिए आप इससे बड़ी प्लेट्स के क्रिम्पर का इस्तेमाल करें तो टाइम सेविंग होगा और एफर्ट्स भी कम लगेंगे। आइकॉनिक में ही इससे बड़े क्रिम्पर अवेलेबल हैं और रेमिंगटन के क्रिम्पर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मिनी क्रिम्पर भी इसमें अवेलेबल है, जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं या फिर जो सिर्फ फ्रंट के हेयर में पफ वगैरह बनाने के लिए क्रिम्पिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये क्रिम्पर उनके लिए शायद बड़ा हो, तो आप मिनी क्रिम्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे मैक्सिमम टेम्परेचर पे काफ़ी देर तक यूज़ करते हो तो आउटर बॉडी हीटअप हो जाती है। एंड येस, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।